अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी गौरव यात्रा के रूप में बना रही है। 9 से 15 अगस्त यह यात्रा की जाएगी। इसी कड़ी में मुंबई स्थित दहिसर पश्चिम में दहिसर सबवे से शांति आश्रम तक आज़ादी गौरव यात्रा निकाली गई। ये यात्रा दहिसर ब्लॉक 7 और 8 की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष लौकिक सूत्रालय के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान हाथ में तिरंगा झंडा लिए सड़कों पर चलते हुए भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया, कार्यकारी अध्यक्ष राजपति यादव और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। बीजेपी यात्रा की खाली एक ढोंगी यात्रा है। ये भारत आज 80 साल पहले महात्मा गांधी जी ने सभी जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बान दिए आज उन्होंने चालू किया था वहाँ पे आज़ाद मैदान से। हम लोग हर साल सुबह उधर जाते हैं, ये बीजेपी का दिखावा है और ये हमारी यात्रा पूरे भारत में चालू है। नहीं नहीं, सुबह से आज पूरे मुंबई में हर एक जिले में हर एक विधानसभा में हर एक ब्लॉक में हमारी ये यात्रा चालू है। राष्ट्रपति जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस द्वारा यात्रा निकाली गई, इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देंगे? नहीं, संदेश ये देना है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है और ये आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी है और आज जो है वो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं और आज़ादी की लड़ाई में पूरा दिलाने का योगदान कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और जो आज आज़ादी की लड़ाई का तिरंगा यात्रा का जो नाटक कर रहे हैं उन्होंने अपने कार्यालय पे आरएसएस ने आज तक अपने कार्यालय पे झंडा नहीं फहराया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया है। तो ऐसे लोग अगर हमें सिखाएंगे तिरंगा यात्रा और जब हम लोगों ने ऐलान किया कि तिरंगा यात्रा हमारा 9 अगस्त से 14 अगस्त रहेगा तब वो जाकर के तिरंगा यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। काम संख्या बीजेपी ने क्या किया, पूरे मुंबई शहर का आज तिरंगा यात्रा निकाला। ये हमारा एक एक वार्ड की तिरंगा यात्रा है। उत्तर मुंबई में 42 वार्ड है, पूरे शहर में 227 वार्ड है, हर वार्ड में हमारी तिरंगा यात्रा रहे। अगर हम बोरीवली या दहिसर विधानसभा को मिला के तिरंगा यात्रा निकाल दें तो हमारी भी तिरंगा यात्रा बड़ी होगी, लेकिन हम गली गली में जा रहे हैं और गली गली में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इसमें यही संदेश देंगे कि जो आज़ादी की 75th ईयर हो गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। उसमें कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर हमारे महापुरुष रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। इसकी याद में हम लोग AICC की तरफ से ये आदेश था कि हर वार्ड में भारत गौरव यात्रा होनी चाहिए, उस माध्यम से हम लोग ये जन जागृति यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि जो 75 इयर्स हो गए आज़ादी को उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, यही हम लोगों तक वापस पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी ये गलत फैला रही है कि कांग्रेस पार्टी का कुछ योगदान नहीं रहा इसका, इसीलिए हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।